सारी जगह ऐसी हैं जहां पर कोविड केयर सेंटर्स खोले गए हैं, जहां पर हॉस्पिटल हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम अभी भी चल रहा है, तो उन जगह को हिफाजत करना, रेड जोन को ऑरेंज जोन की हिफाजत करना, उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस को इन्फोर्स करना, ये तमाम टीम और जो बाकी टीम नॉर्थ और साउथ कश्मीर में लगी हुई है वो तमाम तरह ड्यूटी जिस तरह की हमारे साथ निभा रही है, हमने सबको अपनी टीम को शुक्रिया कहा है, सबको कम्प्लीमेंट किया है, इनके नीचे जो फोर्स जवान काम करते हैं सबको शाबाशी दी है अपनी तरफ से कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि मैं पब्लिक को शुक्रिया कहूँ कि इस माहौल में चलते जो पब्लिक ने हमारे साथ तावन किया है कि हम अपनी जो लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन हैं उनको अच्छे से ज़मीन के ऊपर जो है लागू कर सकें, वो भी काबिले तारीफ है। इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज रमज़ान का महीना है और उससे पहले भी जब जुम्मा का रोज़ आता था तो जो मौलवी मौलाना मुल्ला साहबान हैं उनके साथ हमारी पुलिस और फोर्सेस ने जगह जगह जाके रब्ता किया, उनका भी शुक्रिया है कि उन्होंने खुद अपनी तरफ से अपील करके लोगों को समझाया कि माह रमज़ान जो है ये इबादत का महीना है, इबादत का महीना है, इसके चलते हम लोग जो हैं वो अपने घर में बैठ के इबादत करें, आज कॉन्ग्रीगेशनल जो प्रेयर्स हैं उसका वक़्त नहीं है, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स अगर करेंगे तो उसकी वजह से हम लोग अपने साथियों के लिए अपने परिवारों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ये मौलाना साहबान या बाकी सोशल लीडर्स हैं उनका तावन है जिसकी वजह से लोग इस बात को समझ पाए कि हाँ रमज़ान के महीने में भी अगर हम घर पे बैठ के इबादत करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की इबादत करते हैं, सबके भले की दुआ करते हैं, और अगर उसके भले की दुआ के साथ अगर हम बाहर निकल करके कॉन्ग्रीगेशन में अपना या किसी और का नुकसान करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ ऊपर वाले को भी मंजूर होती है। सो लोगों के तावन के साथ साथ हमारे सोशल और रिलीजियस लीडर्स ने जो तावन किया है वो भी बहुत काबिले तारीफ है। इसके साथ ही जो हमारे बाकी जो लोग हमारे जो जहाँ के फील्ड कमांडर्स हैं आपसे थोड़ी देर तक बात करेंगे, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक तो कल का ऑपरेशन आप ज़रूर उसके बारे में सवाल करेंगे पूछेंगे तो आपको आईजी साहबान बताएंगे वहाँ पर जब आपके साथ खड़े होंगे, मगर वाकया में बहुत अच्छा ऑपरेशन वो हुआ है। आप सब जानते हैं कि मैं जो अपनी टीम की तारीफ करना चाहता हूं कि इस टीम ने कुछ सारे करें आप कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जो कह रहा हूं इतना काफी है, मैंने कुछ नहीं कहना उसका, मैं सिर्फ अपनी टीम को कम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि कल पूरे ऑपरेशन को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, हमारे जो खास हीरो इस पूरे कारनामे के जो डीआईजी साउथ कश्मीर और उनकी टीम उनके एसएसपी साहबान जिन्होंने मिलकर के पूरी इत्तला को जमा करना, उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना, उनके कॉन्टैक्ट्स को इंटेरोगेट करना, पूछताछ करना, हाइडआउट्स की पहचान करना, सही हाइडआउट तक पहुंचना, फोर्सेस को साथ लेना, सही तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना, और फिर लैंड ऑर्डर का जिस खूबसूरती से सीआरपी और फोर्सेस ने मुकाबला किया है कल, उसकी जितनी तारीफ करें वो कम है। बहुत सारा हजूम जमा हुआ, बहुत सारे लोग जो है वहां पर कन्फ्रंटेशन के लिए उतरे, मगर सब्र तहमल से काम लेते हुए थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, हमारे लोग भी जख्मी हुए, सिविल साइड पे भी लोग जख्मी हुए, आज भी हमारी कोशिश है कि किस तरह का लैंड ऑर्डर मौके पर ना बने, मगर मैं इस ऑपरेशन के जो हीरो हैं डीआईजी साउथ कश्मीर और उनके साथ में जो उनके एसएसपी खासतौर पे एसएसपी वंतीपुर और इनकी जो टीम के साथ सहयोग करने के लिए जो सीआरपी के जो कमांडेंट लोकल जो बाकी जो डिप्लॉयमेंट्स हमारी पैराफी मिलिट्री फोर्स में आईटीबीपी एसएसबी जिस तरह का काम हमारी फोर्सेस के साथ पुलिस के साथ मिलकर कर रही है, सबको मैं बहुत दिल की उम्मीद गहराई से इनको शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आर्मी हर ऑपरेशन के अंदर हमारे साथ खड़े होती ऑपरेशन में लड़ते हैं वो भी काबिले तारीफ है। चंद दिन पहले जो हंदवाड़ा में हुआ, फख्र है हमें अपने शहीद के ऊपर जिसकी शहादत आर्मी के चार लोगों के साथ हुई। सगीर पठान एक ऐसा बहादुर है जो 14 साल से एसओजी में काम कर रहा था, वो एक ऐसा आदमी है जो इत्तला मिलने पर किसी की इंतजार किए बगैर सबसे पहले जाके उसने घर को कॉर्डन डाला और अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने बाकी साथियों के साथ ऑफिसर्स के साथ उस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया और आखिर में वहां पर शहीद हो गए। हमें फख्र है अपनी पुलिस फोर्स के ऊपर, हमें फख्र है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, हमें फख्र है अपनी सीआरपी बीएसएफ आईटीबीपी एंड एसएसबी के ऊपर सीएसएफ के ऊपर, और हमें फख्र है अपने लोगों के ऊपर भी जो हमें हर तरह का तावन करते हैं, हमें फख्र है अपनी आर्मी पर जो अच्छी सिनर्जी मेंटेन करके हर ऑपरेशन में हमारे साथ खड़े होते हैं, हर ऑपरेशन में फाइट देते हैं। सो मैं तमाम फोर्सेज को जहाँ पर जो अमन को बहाल करने के लिए, अमन की बहाली के लिए, मजबूती के लिए जो काम कर रही है, मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ।